everyone, this is Nusrat and you are watching NK Educare. Bachchon, let's start question number 2 of exercise 6.2. 6.2 ka question number 2 hum is video mein karenge. Dekhte hain question number 2 kya kehta hai bachchon? Question number 2 kehta hai ki E and A form points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. Three parts given है. हमें three parts को देखकर ये बता रहे हैं. Three parts given है. Okay. सबसे पहले समझेंगे. एक triangle PQR है. Okay. और EF is parallel to QR. और EF QR का parallel है. Yes or no? और सभी की value given है. Total three parts है. 1, 2, 3. और हमें इन वैल्यूज को देख कर ये बताने हैं कि क्या EF QR का पैरेलल है. EF QR का पैरेलल कब होगा? यू नो थ्योरम BPT. EF विल बी पैरेलल टू QR इफ EF डिवाइड्स दिस टू साइड इन द सेम रेशियो. अगर EF इन दोनों साइड्स को PQ और PR को सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तभी ये EF QR का पैरेलल हो जाएगी, राइट? EF विल बी पैरेलल टू QR अगर इन दोनों की रेशियो सेम हो. इन दोनों साइड्स PE by EQ एंड PF by FR की रेशियो अगर सेम है तब हम कह सकते हैं कि यस EF इज पैरेलल टू QR. हाँ, EF QR की पैरेलल है. यस और नो? चलिए कैसे करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. गिवन क्या है, हमें प्रूफ करने हैं ना. हमें बता प्रूफ नहीं है, हमें बताने हैं कि क्या EF QR के पैरेलल है. तो हमें प्रूफ करना होगा, दिखाना होगा कि ये दोनों रेशियो सेम है. अगर दोनों रेशियो सेम है तो है, अदरवाइज नो. तो देखते हैं फर्स्ट में क्या गिवन है. PE कितनी है? PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर है ना. EQ कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर. PF कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर. और FR कितना है? FR की वैल्यू गिवन है 2.4 सेंटीमीटर. यस, PE 3.9, EQ 3, PF 3.6, FR 2.4. अब हमें इसमें ये सेट करना होगा. ओके, नाउ क्या करेंगे? PE by EQ equals to PF by FR. देखना होगा क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं. P कितनी है? 3.9. EQ क्या है? 3. PF कितनी है? 3.6. FR कितनी है? 2.4. ऐसा करते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1.3. यहां पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1.2 1 जा 1.2. क्या आता है हमारा? 1.3. वी गेट 1.3 by 1 एंड हियर ओनली 1 by 1. तो क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है, सेम है, सेम वैल्यू आती है दोनों को. हम देख सकते हैं दोनों साथ वैल्यू क्या सेम है. क्या ये प्रोपोर्शन है? क्या PE by EQ और PA इक्वल है PF by FR की? नो नो, इट्स नॉट प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम कह सकते हैं नो, EF इज नॉट पैरेलल टू QR. EF QR के पैरेलल नहीं है. अंडरस्टूड? आई बात समझ में? हमने देखा कि ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों की वैल्यू मींस प्रोपोर्शनली नहीं आता है, एग्जैक्ट नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि नहीं, ओके, EF QR की पैरेलल नहीं है. आई बात समझ में? सेकेंड पार्ट भी सेम है, इसी तरह से हमें करने हैं बच्चों. चलिए, PE की वैल्यू क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर. QE कितनी है? 4.3 सेंटीमीटर. PF कितनी है? 8 सेंटीमीटर. एंड RF कितनी है? 9 सेंटीमीटर. यस, देखते हैं. PE 4, QE 4, QE कितनी है? 4.3 है, 4.3. QE है 4.3 सेंटीमीटर. और PF कितनी है? 8. RF कितनी है? 9 सेंटीमीटर.
अब हम देखेंगे क्या ये दोनों साइड इस दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है। चलिए देखते हैं, 9 PE by QE equals to PF by FR या RF। PE की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। QE कितनी हो गई? 4.5। और PF कितनी है? 8। और ये कितनी है? 9। अंडरस्टूड? वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज दी हुई है एज इट इज पुट कर देंगे, यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे और यहां डालेंगे। अब ये 40/45 है, 9 के कितने किसके कितने टेबल से पढ़ेंगे, कितने के टेबल में आएगी? हाँ, 5 के टेबल, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 8/9 इक्वल्स टू 8/9। ये दोनों प्रोपोर्शनल में है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो लिखेंगे यस यस हाँ EF इज पैरेलल टू QR, हाँ EF QR के पैरेलल है, बिकॉज दोनों प्रोपोर्शनल में है, दोनों साइड, ये दोनों साइड्स की जो रेशियोज हैं मींस पार्ट्स हैं PE बाय EQ, PF बाय FR, ये दोनों प्रोपोर्शनल में है। अंडरस्टूड? PQ, PQ कितनी है? 1.28। PR कितनी है? 2.56। PE कितनी है? 0.18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। और PF कितनी है बच्चों? 0.36 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब ये है PQ by PR and PE by PF, means PQ, P, PR, PF की वैल्यू गिवन है, इस तरह से प्रोपोर्शनल है। नाउ अब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, PQ by, सॉरी PE by PQ, PE की वैल्यू कितनी, ये PE है, P by PQ, PE by PQ और PF by PR, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, PF by PR, PE कितनी है? 0.18, PQ कितनी है? 1.28, PF कितनी है? 0.36 एंड PR कितनी है? 2.56। चलिए वैल्यूज को नोट आउट कर दिए, अब हमें देखना है कि क्या ये है। देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं, टू डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी टू डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल डेसिमल क्रॉस, टू डिजिट के बाद डेसिमल, टू डिजिट के बाद डेसिमल, डेसिमल डेसिमल क्रॉस। अब क्या बचेगा? ये है 18/128, 36/256। कौन से टेबल से हम इसे कट करेंगे? देखिए 29 जा 18, 26 जा 12, 24 जा 8 और 64, 26 जा 12, 24 जा 8। नौ 21 जा 2, 28 जा 16, 21 जा 2, 22 जा 4, 28 जा 16। इसे हम और कट करेंगे, 29 जा 18, 26 जा 12, 24 जा 8। यस 9/24 इक्वल्स टू 9/24, दोनों साइड सेम प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि यस हाँ EF इज पैरेलल टू QR, हाँ EF QR की पैरेलल है।